स्टूडेंट्स, आप सभी को फंडामेंटल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूं, जिसका नाम है कैपेसिटर संधारित्र। पिछले YouTube चैनल के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर को जब चार्ज किया जाता है तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है, यानी उसका विभव बढ़ता है, और उसके यूनिट विभव को बढ़ाने में जितने आवेश की आवश्यकता होती है, जितने चार्ज की आवश्यकता होती है, उसकी मात्रा को कंडक्टर का या कैपेसिटर का धारिता कहा जाता है, कैपेसिटेंस कहा जाता है। तो किसी भी कंडक्टर के या किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए जब उसके एरिया को बढ़ाया, यानी प्लेट के एरिया को बढ़ाया जाता है तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ता है, और जब प्लेट एरिया को घटाया जाता है तो कैपेसिटेंस घटता है। तो हर समय प्लेट एरिया को बढ़ाना संभव नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में संधारित्र का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस जिसके द्वारा बिना प्लेट एरिया को बढ़ाए या घटाए उसकी कैपेसिटेंस यानी धारिता को बढ़ाया या घटाया जाता है, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस को संधारित्र कहा जाता है, कैपेसिटर कहा जाता है। कैपेसिटर में दो प्लेट होते हैं जो हवा या किसी अन्य माध्यम में या निर्वात में कुछ दूरी पर यानी पास पास रखा रहता है, जिसमें से एक प्लेट कहलाता है ग्राहक प्लेट, कलेक्टिंग प्लेट, और दूसरा कहलाता है संघनक प्लेट, कंडेंसिंग प्लेट। कलेक्टिंग प्लेट चार्ज होता है, इस पर प्लस चार्ज है, और जब ये प्लस होगा तो इस पर माइनस आएगा और इस साइड प्लस आएगा, लेकिन ये प्लेट हमेशा भूधित रहता है, धृत रहता है, यानी अर्थेड रहता है। तो जब ये अर्थेड होगा तो इस साइड भी प्लस के बदला में आ जाएगा माइनस चार्ज, यानी एक कलेक्टिव प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और नेगेटिव प्लेट पर, यानी एक दूसरा प्लेट जो नेगेटिव चार्ज होता है, जो धरती से जुड़ा होता है, उसे संघनक प्लेट कहा जाता है। इसी प्रकार का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस है उसे संधारित्र कहा जाता है, कैपेसिटर कहा जाता है। तो कैपेसिटर तीन प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहले पहला नंबर है समांतर पट्टी का संधारित्र, समांतर पट्टिका संधारित्र, इंग्लिश में इसको कहा जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो मैग्नेटिक प्लेट हवा या
निर्बात में या किसी अन्य माध्यम में एक दूसरे से कुछ दूरी पर व्यवस्थित रहता है, जिसमें से एक प्लेट पर प्लस चार्ज और दूसरे पर माइनस चार्ज होता है, क्योंकि ये धरती से जुड़ा होता है। इसको कहा जाता है, इसमें कलेक्टिंग प्लेट और इसको कहा जाता है कंडेंसिंग प्लेट कहा जाता है। तो समांतर पटिका संधारित्र में दोनों प्लेट एक दूसरे के समांतर होते हैं, जो कुछ दूरी पर होते हैं, और इसका कुछ एरिया भी होता है। एरिया मान लीजिए इसका एरिया है कितना, ए। तो ये रहा समांतर पटिका संधारित्र। दूसरा, सेकेंड नंबर है गोलीय संधारित्र। स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर में दो खोखले गोलीय चालक होते हैं, संकेंद्रीय होता है, दोनों का सेंटर एक ही होता है। इसको कहा जाता है संकेंद्रीय गोलीय चालक। दो संकेंद्रीय गोलीय चालक है, कॉन्सेंट्रिक कौन सेंट्रिक दोनों का, मान लीजिए इसका एरिया, इसका रेडियस है ए और इसमें बाहर वाले का रेडियस है बी। इसमें बाहर वाला स्फीयर अर्थेड है और इसमें अंदर वाला स्फीयर अर्थेड है, याद रखेंगे। अगर कहीं भी ऐसा सिंबल है, इसका अर्थ हुआ दोनों वायर एक दूसरे को टच करता है, लेकिन अगर ऐसा कहीं है, इसका अर्थ हुआ एक वायर दूसरे वायर को टच नहीं करता है। इसका अर्थ हुआ कि अंदर से जो ये वायर आया है वो बाहरी स्फीयर को टच नहीं कर रहा है। अब इसमें अंदर वाले पर प्लस चार्ज और चूंकि ये धरती से कनेक्टेड है, भूधृत है, अर्थेड है, इसीलिए इस पर निगेटिव चार्ज होगा। इसमें अंदर वाले पर निगेटिव चार्ज और बाहर वाले के इनर और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो गोलीय संधारित्र दो प्रकार के होते हैं, एक में आउटर सरफेस आउटर स्फीयर अर्थेड होता है और एक में इनर स्फीयर अर्थेड होता है। इसको कहा जाता है स्फेरिकल कैपेसिटर।
सीटर हैविंग आउटर स्फीयर रिमेन अर्थेड ये हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर हैविंग इनर स्फीयर रिमेन अर तो गोलीय संधारित्र दो प्रकार के होते हैं जिसमें एक में आउटर स्फीयर अर्थेड होता है और दूसरे में इनर स्फीयर अर्थेड होता है। तीसरा है बेलनाकार संधारित्र सिलेंड्री कल कैपेसिटर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में दो समाक्षीय बेलनाकार चालक होते हैं, दो कोएक्सियल हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर होते हैं जिनमें से अंदर वाला धरती से अंदर वाला आवेशित होता है चार्ज्ड होता है और बाहर वाला सिलिंड्रिकल कंडक्टर अर्थिड होता है यानी धरती से जुड़ा होता है। इस टाइप का उसका कंस्ट्रक्शन होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का। ये बाहर और वाला सिलिंड्रिकल कंडक्टर अर्थेड है, अंदर वाले का रेडियस है ए, बाहर वाले का रेडियस है बी। इसमें प्लस चार्ज अंदर वाले पर होता है और चूंकि बाहरी अर्थेड होता है इसलिए बाहरी कंडक्टर के दोनों ओर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है। तो ये रहा बेलनाकार संधारित्र, यानी आपने अभी पढ़ा संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं, गोलीय संधारित्र, समांतर पटिका संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसके बारे में, इसकी धारिता को ज्ञात करने के लिए हम आगे आने वाले वीडियो में, यूट्यूब के वीडियो में आपको हम फिर शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिससे कि आपको सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। हमारा ये कैपेसिटर के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी हमें लाइक करके सूचित कर देंगे। धन्यवाद।